तो गाइस बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है पीक एंड फायर। एकदम फास्ट करना है, और क्या करना है, डैमेज देके अंदर आने की अगर आप कोशिश करवाओ तो और भी बढ़िया है आपको कंटिन्यूस। ये क्या था अबे साले, पागल है, दिमाग खराब है, इधर प्रैक्टिस करने आया हूँ मैं, तू नेड करे जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन बीच में आ गए, बंदा उधर नेड कर रहा था तो अपन उस बंदे के बीच में आ गए, गलती अपनी थी, तो अपन किसी और जगह पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, तो आपको क्या करना है, बस पीक करके फायर करना है, पीक करके फायर करना है, एम का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में एम करने लगोगे तो आपका पीक एंड फायर पे वो भी सही से नहीं होएगा, तो आपको पहले। भाई क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा साले, हद है यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन दूर आ गए यहाँ से। तो मैं बोल रहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ पीक एंड फायर करना है, एम अभी नहीं करना है, एम की जो प्रैक्टिस है आपको बाद में करनी है, जब आपका पीक एंड फायर जो सही हो जाएगा तो उससे क्या। मारो मुझे, मारो मारो नहीं, मुझे, नहीं, मारो यार, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइस सबसे पहले दिल से माफी चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लेट कर दिया, क्योंकि आपको पता है भाई जिंदगी में दिक्कतों की कमी नहीं है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी इस चैनल में भी कंटिन्यूस आपको वीडियोस मिलेंगे, एटलीस्ट हफ्ते में एक या दो वीडियो तो जरूर आएंगे, तो टेंशन ना लो। अब ये सीरीज तो पूरी कंप्लीट करवा के रहूँगा आपकी मैं, और इसमें जो है मैं मतलब आपकी प्रैक्टिस करवा रहा, एटलीस्ट जो मिड रेंज है ना वो आपकी बहुत सही हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। तो क्लोज रेंज का भी अपन वीडियो बनाएंगे, उसके बाद स्नाइपिंग का भी बनाएंगे, कोई टेंशन ना लो, पूरी सीरीज जो अपन कंप्लीट करके रहेंगे। तो यहाँ पर जो है, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया हूँ और वीडियो में बिल्कुल फन नहीं है, बिल्कुल बहुत सीरियस वीडियो है, बहुत बोरिंग वीडियो है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। तो एंडिंग तक बस देखते रहना वीडियो को। और ये देखो भाई, ये डेमो देख लो एक बार, एम का, एम आपके भाई का कितना सही रहता है, तो ये तो मतलब मजाक था भाई, लेकिन हाँ एम बहुत सही था। क्रॉस ईयर देखो, ओ भाई लाइक बंदा बिल्कुल एंडिंग तक, बंदा नीचे आने तक जो मेरा क्रॉस ईयर है बिल्कुल बंदे के ऊपर था, तो ऐसे मजाक मजाक में था वो। फास्ट पीक एंड फायर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जिसमें आपने स्टार्टिंग भी देखी होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेमो देख लो, तो गाइज ये आपको डायरेक्टली नहीं करना है, लाइक यहाँ पर मैं आ गया हूँ और सामने आप देख सकते हैं पुतला है, मतलब बंदा है जो आपको नहीं मिलेगा। इस बंदे को मैं नेट से, जैसे कि आपने देखा, नेट से उड़ा के इसको मैं यहाँ पे बिठा दिया हूँ, जिससे मेरी बहुत तगड़ी वाली प्रैक्टिस हो रही है। एक्चुअली डिसकनेक्टेड बंदा था जो कि गायब हो जाता है बाद में, लेकिन मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, पीक फायर, पीक फायर, पीक फायर करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, पीक एंड फायर की प्रैक्टिस करनी है, फास्ट फास्ट, देन पहले स्लो करो देन फास्ट फास्ट करो, उसके बाद आपको एमिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे मैं करता हूँ। अभी देखो हेड पे एम लग रहा है, इसके शोल्डर पे एम लग रहा है, बिल्कुल सही से एम लग रहा है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एमिंग की प्रैक्टिस करनी है, और थर्ड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम एक्सपोज हो, बिल्कुल कम से कम एक्सपोज हो। तो ये तीन चीज़ अगर आपकी परफेक्ट हो गई तो पीक एंड फायर में आप परफेक्ट हो जाओगे, और बस इन चीज़ों में आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो गाइज मोस्टली क्या होता है ना, अगर ये प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो दिन प्रैक्टिस करना डैमेज देके अंदर बाहर आने की। और ये वाली एक चीज़ है कि जब भी कोई पुश कर रहा है ना तो कांस्टेंट फायर मत करो, लाइक आप अंदर अंदर खुद को पुश करो, जैसे यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है तो ऐसे 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 पूरा घुमा के राउंड फायर करो, ताकि आप अंदर चले जाओ, एक जगह पर कॉन्स्टेंट फायर मत करो, खुद को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और डैमेज देके अंदर आने की भी प्रैक्टिस कर लेना, और डैमेज देके अंदर आने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, जो कि आगे आपको क्लिप में दिख जाएगा। तो भाई मजाक मजाक में इसके ऊपर मैं एक नेट कर दिया, मुझे नहीं पता था बंदा इतना सीरियस लेगा इस चीज को। ये जब तक मैं भाई एग्जिट नहीं किया, बंदा मेरे पीछे पड़ा रहा, मेरे ऊपर नेट कर रहा, मूली कर रहा, और मैं उसकी ओर जलाता हूँ। भाई तेरे से कुछ ना हुआ, तेरे से कुछ ना हुआ, इसकी ऐसी जली, भाई साहब ने मोली उठाए मेरे पीछे भागने लगा, बस देखते जाओ। लेकिन मौली से भी कुछ नहीं हुआ। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि रन एम फायर। ये काम आता है जब आप किसी स्क्वाड हाउस के ऊपर या फिर किसी भी हाउस के ऊपर आप पुश कर रहे हो, या फिर कहीं पर भी आप पुश कर रहे हो जहाँ पर बंदा टीपी पे लग रहा है, फिर आपको लाइक अंदाजा है यहाँ से बंदा पीक करेगा जब मैं पुश कर रहा हूँ, ओपनली पुश कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। लाइक क्रॉस ईयर को है, जहाँ से बंदा पीक करेगा ना वहाँ पर क्रॉस ईयर को सेट कर दो और प्रैक्टिस करो कि
फटाक से फायर कर पाओ, मतलब ADS करके स्कोप इन करके फायर करने की प्रैक्टिस करो। ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको इस चीज़ का होगा। और अगर आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई तो स्कोप इन करके मतलब ADS करके मारने की जो आपका टाइमिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और मतलब फास्ट फास्ट आप मार पाओगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर से करके देखना इस चीज़ की, आपको मज़ा आएगा। अब देखो भाई वो जो बंदा है वो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है मौली लेके, बिल्कुल ये देखो मौली पे मौली मेरे पर आई जा रही है, बिल्कुल आतंकी हमला हुए जा रहा है मेरे ऊपर, जिसको मैं पूरा इग्नोर करे जा रहा हूँ, लेकिन बंदा बिल्कुल भाई नहीं मान रहा हो। जब तक मैं ट्रेनिंग मोड एग्जिट नहीं करता हूँ उसने मेरी ऐसी तैसी करके रखी थी। तो जितने भी घर है यहाँ पर वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर एक विंडो पे क्रॉसियर सेट करके भागो, जैसे कि आप पुश कर रहे हो बंदा वहाँ से पीक करेगा और आप उसको मारोगे। तो ये चीज़ अगर आप इमेजिनेशन के साथ करोगे तो आपको रियल में ये बहुत ज़्यादा काम ही आएगी। और इस बेचारे की एक भी मोली मेरे को कनेक्ट नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, ये एक सुसाइड नोट भी लिखता है, फिर बाद में मैं इसको समझा देता हूँ। और ये चीज़ ज़रूर से ट्राई करना गाइस, अभी जो मैं बताया उसी से थोड़ी सी रिलेटेड है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, इससे आपका जो ADS फायर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और जो ट्रैकिंग है वो भी बहुत सही हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी आपकी जो ट्रैकिंग। लाइक सामने से दो तीन बंदे फायर कर रहे और आपके ऊपर, तो एक बंदे को मार के दूसरे बंदे पे जो स्प्रे शिफ्ट होएगा ना आपका, वो बहुत ज़्यादा सही होएगा। तो इस चीज़ की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो वैसे यहाँ पर बंदा मेरे लाइक मौली लेके मेरे साथ घूमने लगा, पता नहीं क्या क्या करना क्या चाहता भाई, क्या साथ फेरे ले रहा तू मेरे साथ है। प्रोन ADS फायर ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम ही आएगी अगर आप ये टाइमिंग के साथ करो तो। ये चीज़ क्या आपको समझा देता हूँ, लाइक आप सामने भाग रहे हो और आपको नई आइडिया कहीं से भी अचानक से फायर आ जाता है, आपको क्या करना है, इमिडिएटली प्रोन हो जाना है, जहाँ से फायर आया है वहाँ पर अपना कैमरा एंगल घुमा के ADS को घुमा के स्कोप इन करके मतलब ADS करके फायर करो। ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। क्रॉस ईयर से अगर आप मारोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जैसे अभी क्रॉस ईयर से मारो वैसे नहीं मारना है, आपको स्कोप इन करके मारना है, भले आपके पास रेड डॉट हो जो भी स्कोप हो उसी से आपको स्कोप इन करके मारना है, तभी जाके इस चीज़ का एडवांटेज होगा। तो इस चीज़ की अगर प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, आप एक दो बार भी इसको ट्राई कर लो ना, तो लाइक 500 MO वेस्ट कर दो इस चीज़ में, आप लाइफ टाइम के लिए ये ध्यान में रह जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना है। द बीस्ट यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गाड़ी से बंदे उतारना चाहते हो तो, या फिर कोई रनिंग बंदा है उसके ऊपर आपको स्प्रे देना है, आपका स्प्रे सही से नहीं जाता उसके ऊपर, तो उसके ऊपर स्प्रे कैसे देना है यहाँ पर देख लो। तो ये आप पीक करके ट्राई कर सकते हो, बिना पीक किए भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ट्राई करना जो आपको सही लगे। और आपका याद रखना जो है बॉर्डर के बाहर आपकी जो एमओ मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना जाए, आपकी जो एमओ है बॉर्डर के अंदर ही कनेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आप भी गाड़ी से बंदे उतरना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत काम आएगी, उसी के साथ साथ कोई बंदा भाग रहा है सामने से उस मारना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सही रहेगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, एक कमेंट जरूर से कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, क्या क्या चीज़ें आपकी कमज़ोर है मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि उन चीज़ों के ऊपर मैं खुद स्टडी करके उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपको उनका सोल्यूशन दूँ, वो चीज़ें आपको सिखाऊँ। तो कमेंट ज़रूर से कर देना और फिर से एक बार सॉरी यार बहुत ज़्यादा लेट कर दिया मैंने वीडियो लाने के लिए, लेकिन अब लेट नहीं होगा, अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल के ऊपर किया होगा। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।